इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा जदयू से बागी चल रहे हैं। लगातार जदयू के ऊपर अनाप शनाप जोर तोड़ की बात कर रहे हैं। इधर राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में जाएंगे और अपने साथ कई नेताओं को ले जाएंगे। पर दरभंगा में महिला मोर्चा के भाजपा प्रदेश मंत्री धर्मशीला गुप्ता ने कही कि उपेंद्र कुशवाहा अगर बीजेपी में आना चाहते हैं तो जरूर हम स्वागत करेंगे, क्योंकि बीजेपी पार्टी बड़ी पार्टी है। आपने पूछा है तो मेरा भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है। जो लोग भी मेरे दल में आएंगे उनका स्वागत है। नीतीश कुमार तो बलदुराम जी के नाम से जाने जा रहे हैं। बच्ची की हत्या करने वाले राजा को आजीवन कारावास। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश उदयवंत कुमार की अदालत ने एक 3 वर्षीय मासूम बच्ची की अपहरण कर चाकू गोदकर हत्या करने के बाद लाश छिपाने के जुर्म में सिमरी थाना क्षेत्र के कंसी निवासी मोहम्मद राजा को आजीवन सश्रम कारावास का 25,000 रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार दिया था। इस जघन्य घटना की प्राथमिकी मृत बच्ची के नाना कंसी निवासी मोहम्मद गुलजार ने सिमरी थाना कांड संख्या 33/16 भादवी की धारा 364 के तहत 4 अप्रैल 2014 को मामला दर्ज कराई थी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस की ओर से कार्रवाई की। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभु चरण सिंह के अवकाश ग्रहण पर दी गई समारोह पूर्वक विदाई। विश्व का सबसे बड़ा और भारत का केंद्रीय विश्वविद्यालय इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभु शरण सिंह के आज अवकाश ग्रहण के अवसर पर इग्नू के पदाधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिचितों ने इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के सभागार में उनकी समारोह पूर्वक विदाई दी गई। इस अवसर पर डॉक्टर शंभु शरण सिंह को इग्नू क्षेत्रीय केंद्र के पदाधिकारियों और कर्मचारियों पुष्पमाला, बुके, पाक, चादर सहित अनेक उपहार प्रदान कर अपने स्नेह और लगाव को व्यक्त किया। आज इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा में वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभु शरण सिंह के अवकाश ग्रहण के अवसर पर उनकी विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। पाग माला बुके बहुत तरह के उपहारों से सम्मानित किया और इस अवसर पर विभिन्न वक्ताओं ने उनके कृतित्व व्यक्त। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संस्थान द्वारा बच्चों को पुस्तक दिया गया। दरभंगा शहर के सुंदरपुर मोहल्ला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्थान द्वारा लोगों को मार्गदर्शन किया और बच्चों के बीच निःशुल्क पुस्तकें, कॉपी, बैग इत्यादि का वितरण किया गया। संस्थान के लोगों ने बताया कि इस संस्था का 2 वर्ष पूर्ण होने पर यह कार्यक्रम किया गया है। संस्थान के द्वारा सैकड़ों लोगों को सहयोग किया गया है। स्थापना दिवस मनाया गया, इस अवसर पर मार्गदर्शन एवं पुस्तक वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें कई बच्चों को पाठ्य पुस्तक का सामग्री वितरण करते हुए पढ़ाई के प्रति, शिक्षा के प्रति मार्गदर्शित किया गया। जो हम लोग का कार्यक्रम था, हम लोग के संस्था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संस्थान के संस्थापक आदर्श कुमार का 2 साल पूरा हो गया और इसी संस्था से आज बहुत बच्चे को आज हम लोग कॉपी किताब वितरण किए हैं और भी संस्था को हम लोग आगे तक ले जाने के प्रोग्राम हासिल कर रहे हैं। 3 दिवसीय श्रीमद भगवत कथा के आयोजन से भक्तिमय हुआ वातावरण। बढ़ेता मिथिला जगन्नाथपुरम लहरेसराय द्वारा 3 दिवसीय श्रीमद भगवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मोनी बाबा और स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी बहादुरपुर मौजूद रहे। आयोजित 3 दिवसीय श्रीमद भगवत कथा ज्ञान यज्ञ के पहले दिन मंत्रोच्चारण और गणेश वंदना के साथ श्रीमद भगवत कथा का शुभारम्भ किया गया, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों और आसपास के लोगों ने पहुंचकर कथा सुनकर लाभ लिया। महापुराण कथा प्रारंभ भेल हन। हमरा हिंदू सनातन धर्म के भागवत गीता रामायण जे छै से मनुष्य के पार उतरे के लेल आव छै। श्रीमद् भागवत कथा जे प्रारंभ चंदन जी महाराज कह रहला हन कि बढ़त तावस्ती में गाँव में पहले पूरा लोग मिलजुल के सहयोग से संपूर्ण ग्राम वासी। सर्वसम्मति से दरभंगा जिला मुखिया महासंघ के अध्यक्ष चुने गए राजीव चौधरी। पंचायती राज को सशक्त बनाने के लिए दर्जनों प्रखंड के मुखिया ने की बैठक। आज महात्मा गांधी के शहादत दिवस के अवसर पर दरभंगा जिला के दर्जनों प्रखंडों के मुखियाओं ने पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने हेतु ऐतिहासिक पोलो मैदान में एक बैठक की।
जिसमें सर्वसम्मति से राजीव कुमार चौधरी को दरभंगा जिला मुखिया महासंघ का अध्यक्ष चुना गया। वहीं 15 सदस्यीय जिला कमेटी का गठन किया गया। वहीं सभी के सर्वसम्मति से तय हुआ कि 25 मार्च को जिला सम्मेलन मुखिया महासंघ का किया जाएगा। बैठक तो सफल रहेगी, ये नाजीर बनेगा, क्योंकि अभी जो स्थित है मुखिया का जो बद से बदतर स्थित है, इसलिए मुखिया संघ का गठन होना अति आवश्यक है। इसी परिप्रेक्ष्य में इस टीम का गठन किया गया है। आगे की रणनीति हमारे माननीय अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष राजीव चौधरी बताए। कुष्ठ मुक्त बिहार की घोषणा को सफल बनाने का लिया संकल्प। दरभंगा शहर के लहरियासराय स्थित टावर चौक पर बने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर दरभंगा जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त सहित अन्य पदाधिकारीगण के द्वारा पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा कुष्ठ मुक्त बिहार की घोषणा पत्र पर जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त, सहायक समाहर्ता, अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी और सभी पदाधिकारियों ने बारी बारी से हस्ताक्षर कर कुष्ठ मुक्त बिहार की घोषणा को सफल बनाने का संकल्प लिया। वहीं आपको बता दें, दरभंगा शहर के लहरियासराय स्थित टावर चौक पर बने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर दरभंगा जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त सहित अन्य पदाधिकारीगण के द्वारा पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। दरभंगा एसएसपी अवकाश कुमार के कार्यालय कक्ष में अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर के जिला भर से लोग पहुंचे, जहां दर्जनों की संख्या में लोग अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर एसएसपी से गुहार लगाए। वहीं मीडिया से बात करते हुए एसएसपी अवकाश कुमार ने कहा कि ज्यादातर मामला मारपीट और जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ आया, जिसमें संबंधित थाना अध्यक्ष और एसडीपीओ को निर्देशित किया गया है। जमीनी विवाद के लिए शनिवार को थाना पर जनता दरबार लगाकर मामले का निष्पादन करने का आदेश दिया गया। आज कांड से संबंधित ही लोग ज्यादा आए थे, कुछ केसेस में कार्रवाई नहीं होने और कुछ केस में अपने आप को निर्दोष बताए जाने के आवेदन प्राप्त हुआ है। उनके संचिका का अवलोकन किया गया, कुछ कांडों में अद्यतन कांड देने की नहीं है, तो उसमें आयो को निर्देशित किया जा रहा है कि अद्यतन कांड देने की समर्पित करें। कुछ कांड जो जांच में है उनपे एसडीपीओ को कहा गया है जल्दी निर्णय लेने के लिए, और एक आध मामले जमीन विवाद से संबंधित थे तो उनको शनिवार को कहा गया। खाटू श्याम मंडल दरभंगा द्वारा 47वां वार्षिक बसंत महोत्सव धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ और भक्ति भाव से श्याम मंदिर जीतू गाछी दरभंगा के प्रांगण में 4 दिवसीय कार्यक्रम मनाया जा रहा है। खाटू श्याम मंडल के अध्यक्ष सह मीडिया प्रभारी विनोद कुमार सरावकी ने प्रेस वार्ता कर अहम जानकारी दी। वहीं आपको बता दें, बाबा श्याम इस बार भी आयोजन में पधारेंगे, जिसमें संजय पारिक जयपुर, भावना रवीश पंडित दिल्ली, अरविंद सहल कोलकाता, विवेक शर्मा कोलकाता से इस कार्यक्रम में पधारेंगे। उत्सव की तैयारी को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। बरवरी हमारे श्याम बाबा को वरदान दिया था कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। हमारे गुरुदेव ने हमको बताया कि बाबा श्याम को लोग कलयुग में कैसे पूजेंगे। हम बोले आप ही बताइए कैसे पूजेंगे। तो तुम कुछ मत करो, सिर्फ श्याम प्रेमियों की जनसंख्या बढ़ाओ, डेली प्रयास करो एक दो श्याम प्रेमी बना दो। वही प्रयास हम करते हैं और बाबा के प्रेमियों को बढ़ाते हैं। 2 तारीख को दोपहर में 3 बजे से श्याम बाबा की जीवनी के लिए राम शर्मा हमारे जोधपुर से आ रहे हैं, उनका आधा घंटा का पूरा प्रोग्राम है, उसको देखने और कवरेज करने आप लोग जरूर आए। 47वें बसंत महोत्सव की जो ये कार्यक्रम चल रहा है, यह कार्यक्रम आज के युग में जो धर्म के प्रति लोगों की निराशा हुई, नौजवानों को भगवान श्री कृष्ण से समर्पित श्याम बाबा की ओर। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर मुत्ताक अहमद की अध्यक्षता में महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित। महात्मा गांधी अपने विचारों से आज भी जीवित है, उनका विचार प्रकाशमान होकर अंधेरे को मिटा रहा है। मानवीय मूल्यों की रक्षा केवल और केवल गांधी दर्शन के द्वारा ही हो सकती है। आज तक दुनिया में गांधी के विचार में परिवर्तन नहीं हुए हैं, भले ही उसे मानने वाले बदलते रहे हैं। जिन लोगों ने भी गांधी के विचारों को आत्मसात किया था, वे जीवन के अंतिम सांसों तक उनके साथ रहे। गांधी जी के विचार आज भी पूरे विश्व को गहराई से प्रभावित कर रही है, यह बातें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने कही। गांधी जीवित हैं, गांधी का विचार प्रकाशमय है,
और अंधेरों को मिटा रहा है। ललित नारायण सिंह विश्वविद्यालय परिवार की ओर से उनके शहादत दिवस पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मानवीय मूल्य की रक्षा केवल और केवल गांधी के दर्शन के द्वारा ही हो सकती है। दरभंगा शहर में नो एंट्री जोन में जा रहे वाहन को पुलिस ने तत्परता पूर्वक रोक दिया और वापस भेज दिया, जिसको लेकर के कई वाहनों को फिर से रिटर्न होकर के जाना पड़ा। नो एंट्री जोन में वाहन नहीं जाने से जाम की समस्या में कमी देखने को मिली। वहीं ट्रैफिक पुलिस की तत्परता के कारण शहर में जाम की समस्या पर थोड़ी सी निजात जरूर देखने को मिल रही है। आइए जानते हैं कि स्थानीय लोगों ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है। इसमें जो है सर, सवेरे 7 बजे से रात के 9 बजे तक नो एंट्री रहता है, तो नो एंट्री में जो भी आता है उसको यहाँ का जो है ट्रैफिक इंचार्ज केडी यादव जी हैं, उनके द्वारा जब तत्परता दिखाते हुए सबको नो एंट्री में रिटर्निंग भेज दिया जाता है, नो एंट्री में चलने नहीं दिया जा रहा है, जिससे कि आज 3 दिनों से जाम का समस्या कम है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजा राम साहू है। दो मिनट का मौन धारण कर राष्ट्रपिता बापू को दी गई श्रद्धांजलि। कुष्ठ रोगियों से भेदभाव नहीं रखने और हर संभव मदद का लिया गया संकल्प। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सर्वप्रथम जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त अमृता बैंस और अन्य बापू के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इसके बाद जिलाधिकारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गांधी जी का जीवन एक आदर्श रहा है, उन्होंने राष्ट्र के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया, उनका जीवन और आचरण अनुकरणीय है, उन्होंने राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। आज ही के दिन 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का निधन हुआ था। इस तिथि को हम लोग शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं। महात्मा गांधी का जीवन संपूर्ण रूप से मानवता को समर्पित था। उनका जीवन